नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रामसियार, एक्टिव लाइफ पॉलीक्लिनिक एंड एडवांस न्यूरो रिहैबिलिटेशन सेंटर हनुमानगढ़ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करते हैं रीढ़ की हड्डी से चोट लगना या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बारे में। रीढ़ की हड्डी हम सब जानते हैं कि 33 छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है, उन्हें वर्टिब्रा कहते हैं। अगर किसी चोट लगने से, एक्सीडेंट से या कहीं से गिरने से इन पे फ्रैक्चर आ जाता है तो दो प्रकार का होता है। एक सामान्य फ्रैक्चर जिसको फिक्सेशन के द्वारा रोका जा सकता है, एक डिस्प्लेस्ड होके जो स्पाइनल कोड अंदर जो एक नसों का समूह होता है जिसे स्पाइनल कोड कहते हैं। स्पाइनल कोड का काम होता है जो हमारा दिमाग होता है उसके मैसेज शरीर के दूसरे पार्ट्स को यानी कि अंगों को पहुंचाना। अगर उस पे प्रेशर आता है या उस पे दाब आता है या उसको चोट लगती है तो उसे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी कहते हैं। सामान्यतः यह दो जगह सबसे ज्यादा नुकसान करती है, गर्दन और कमर पे। अगर गर्दन पे जो कोई चोट लगती है तो उसे हाथ और पैर दोनों काम करना छोड़ जाते हैं। इसे क्वाड्रिप्लेजिया या टेट्राप्लेजिया कहते हैं। अगर रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से पे लगता है तो दोनों पैर काम नहीं करते हैं, उसे पैराप्लेजिया कहते हैं। ऑपरेशन के फिक्सेशन के बाद का ट्रीटमेंट होता है वो फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट होता है। दोस्तों, सामान्यतः यह देखा जाता है कि कोई एक घंटे की फिजियोथेरेपी करवा रहा है या एक घंटे की कोई एक्सरसाइज कर रहा है, घर पे कर रहा है। तो मैं आप लोगों को यह बताना चाहूंगा कि रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी चोट में एक घंटे की फिजियोथेरेपी या एक घंटे की आपकी पैसिव एक्सरसाइज कोई भी इफेक्ट नहीं देगी। इसके लिए आपको अच्छे से अच्छे न्यूरो रिहेबिलिटेशन सेंटर जाना चाहिए। वहां से कम 5 से 6 घंटे की पर डे की एक्सरसाइज होनी चाहिए, वहां आपकी फिजियोथेरेपी होनी चाहिए। उसमें बैलेंसिंग एक्सरसाइज, उसमें कोर मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, अलग अलग एक्सरसाइज होती है। टिल टेबल होता है जिसपे आपको खड़ा कराया जाता है विद सपोर्ट ऑफ ब्रेसेस। तो ओवरऑल ये है कि आपके फिक्सेशन के बाद में आपको जल्द से जल्द अच्छे से न्यूरोफिजियोथेरेपिस्ट के पास जाकर आपको राय लेके ढंग से फिजियोथेरेपी लेनी चाहिए। न्यूरोफिजियोथेरेपिस्ट होने के नाते स्पाइनल कॉर्ड को मैं भलीभांति समझ सकता हूं, अतः मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहूंगा कि हमारा सेंटर हनुमानगढ़ में स्थित है। यहां न्यूरो से संबंधित स्पाइनल कॉर्ड इंजरी या हेमिप्लेजिया के काफी पेशेंट हम ट्रीट कर चुके हैं, अतः मैं चाहूंगा कि नियर बाई जितने भी लोग अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से ग्रसित हैं वो एक बार आके अपना ट्रीटमेंट लें। इसको लेट नहीं करें, जितना इंजरी पुराना होता जाएगा उतने ही रिकवरी के चांसेस कम होते जाएंगे। धन्यवाद।